हेलो गाइस, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि पटना सिविल कोर्ट का जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था, तो उसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का कब होने वाला है, और उसका जो है एडमिट कार्ड आप लोगों को लगभग कब तक डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रारंभ हुआ था वो आपको 20/9/2022 को प्रारंभ हुआ था, और उसका लास्ट डेट जो था 20/10/2022 था। जैसा कि आप लोग को इधर साइड पर भी दिख रहा है, प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि जो है अभी सूचित नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही एग्ज़ाम का जो है फिक्स डेट अभी सूचित किया गया है। इसमें आप लोगों को चार पोस्ट दिया गया था, जिसमें कि आपको चपरासी हो गया फर्स्ट प्यून, उसके बाद अदर जो पोस्ट था वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए आना, इसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले क्लर्क का था, ठीक है, उसके बाद जो है आपको स्टेनोग्राफर था, उसके बाद जो आपको कोर्ट रीडर सर डिपोजिशन राइटर था, उसके बाद जो चपरासी आर दलील जो होता है वो आप लोगों को था, यानी कि चार पोस्ट आप लोगों को दिया गया था। तो इसका जो है डेट अभी फिक्स नहीं किया है, जो कि एक नोटिफिकेशन निकला था पेपर में कि सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको 11 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसका जो है डेट पेपर में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको संभावना है कि 11 फरवरी को परीक्षा होने की संभावना है, यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये संभावना है, अभी ये फिक्स नहीं है कि आप लोगों का परीक्षा जो है 11 फरवरी को होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग वेट कर ले, अगर 11 फरवरी को परीक्षा होगा, ठीक है, तो आप लोगों को 1 या 2 फरवरी से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, अगर 11 फरवरी को परीक्षा होगा तो, नहीं तो आगे देखा जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है।